Today we'll start Companies Act 2013, and in Companies Act we'll start with the topic Reconstruction and Amalgamation. Okay, so before dealing with the provisions of these topics in the Companies Act 2013, let's discuss the important and basic concept, right? So just to tell you, what is the reconstruction and restructuring of the company? Merger, amalgamations, acquisitions, arrangement or reconstructions, ये जो सारी चीजें हैं ये different form है. किस चीज के different form है? ये different form है आपके corporate word में corporate reconstruction के, right? So corporate reconstruction जो होता है वो किसी भी form में जरूरी होता है company की growth के लिए, कंपनी को सरवाइव करने के लिए. बिकॉज आपको पता है कि अगर कोई कंपनी आज फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो आज जो आपके मार्केट्स के डिमांड्स हैं, जो रीजन्स के डिमांड है, वो डिफरेंट होंगे. और सेम कंपनी सरवाइव करते हुए, मार्केट के चैलेंजेस को फेस करते हुए, अगर 2-3 साल बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो उसको अपने सर्वाइवल को, चैलेंजेस जो सामने हैं उन्हें फेस करने के लिए अपने कंपनी का जो रिकंस्ट्रक्शन है, रीस्ट्रक्चर है, वो करना पड़ता है, ठीक है. तो रीस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से हो सकती है? रीस्ट्रक्चरिंग जो होती है वो रीऑर्गेनाइजेशन से हो सकती है और रिकंस्ट्रक्शन से हो सकती है. अब किस तरीके से कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होगी? तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के दो तरीके हैं. पहला तो है जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक और इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग. सेकंड है जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं और एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं. सो जो ऑर्गेनिक और इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग होती है उसमें हम इंटरनल जो चीजें होती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, ये सारी चीजों को हम चेंज करते हैं. जो दूसरे टाइप की इनऑर्गेनिक और एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो है हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करते हैं. सो जो एक्सटर्नल आपके रीस्ट्रक्चरिंग होती है, वो एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग होती है आपकी इन द फॉर्म ऑफ मर्जर्स, इन द फॉर्म ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इन द फॉर्म ऑफ एमलगमेशन, राइट. ये सारे जो तरीके हैं वो आपके इनऑर्गेनिक रीस्ट्रक्चरिंग के तरीके होते हैं. जो रीस्ट्रक्चरिंग और रिकंस्ट्रक्शन को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने शब्दों में बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से समझाया है. दो लाइन में आप भी समझ जाएंगे. इन द वर्ड्स ऑफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इज वन ऑफ द मीन्स that can be employed to meet the challenges and problems which confronts business. As I told you in the beginning that the face the challenges जो company face करती है अपने business को चलाने के लिए, market के according उन challenges को face करने के लिए, उन challenges को tackle करने के लिए, सबसे important जो आज के टाइम में एक कॉर्पोरेट जो एंटिटी है वो कर सकती है, दैट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. ओके, नाउ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू यू नो अंडर वेरियस हेड्स. व्हाट आर दीज हेड्स? फर्स्ट डेट हो गया आपका, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, मतलब कि जो आपके डेट्स हैं, जो आपके कैपिटल है उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ये भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर आता है. इंटरनल और एक्सटर्नल जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो मैंने आपको बताई है, जिसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रीस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं. अब एज आई अर्ली टोल्ड यू, द इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं? एक तो ऑपरेशनल चेंजेस हो सकता है. ऑपरेशनल चेंजेस मीन्स डेमोग्राफिकल चेंजेस. किन किन रीजन्स में आपके, मानिए आज आपके जो कॉर्पोरेट जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो एक रीजन में ही सिर्फ लिमिटेड है, ठीक है. इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू आप जो ऑपरेशन है अपने बिजनेस का वो डिफरेंट रीजन्स में कर सकते हैं. ये तो फर्स्ट हो गया. सेकंड क्या कर सकते हैं इंटरनल में? फाइनेंशियल जो चेंजेस कर सकते हैं. मानिए आज आपकी जो पेड अप कैपिटल है आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है वो थोड़ी कम है, कल आप उसको बढ़ा भी सकते हैं. मैनेजेरियल जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है, चेंज इन मैनेजमेंट,
शेयर होल्डर हो गए हैं, डायरेक्टर्स हो गए हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हो गए हैं या मेंबर्स हो गए हैं, इनमें जो चेंजेस होंगे वो हो गया आपका मैनेजेरियल लेवल पे रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग मैंने पहले भी आपको बताया, इन द फॉर्म ऑफ मर्जर्स होते हैं, एमलगमेशंस होते हैं और एक्विजिशंस होते हैं। ये टर्म्स हैं जो कि अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, क्या रीजन होता है, मतलब ठीक है कोई कंपनी है वो रीस्ट्रक्चर करना चाहती है, बट हर कंपनी के लिए रीस्ट्रक्चर एक तरीके का नहीं हो सकता। देयर इज नो स्पेसिफाइड रूल दैट एक जो कंपनी है वो इस प्रोसेस के साथ ही रीस्ट्रक्चर करेगी। क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज हर सब जितनी भी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जितनी भी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, उनकी बिजनेस की वैल्यूएशन डिफरेंट होती है, उनके बिजनेस की नीड्स डिफरेंट होती है। सो एज पर दीज थ्री क्राइटेरिया हर जो कंपनी होती है वो अपनी कंपनी का रीस्ट्रक्चर करती है। ठीक है, अब क्यों जरूरत पड़ती है कंपनी के रीस्ट्रक्चर करने की? आज का टाइम आपको पता है लिबरलाइजेशन का है, ग्लोबलाइजेशन का है, तो इन ये जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, इसमें कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता है। सो इन कंपटीशन जो क्रिएट होता है मार्केट में, उन कंपटीशन से बचने के लिए ये जो है आपको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि उसमें जो कॉर्पोरेट की एंटिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ इंटरनली आप ऑपरेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, मैनेजर लेवल पे चेंजेस करते हैं। बट जो एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग जिसे इनऑर्गेनिक रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, जब उसमें चेंजेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग में आता है आपका मर्जर। सो व्हाट डू यू मीन बाय मर्जर? मर्जर एक होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज into a single company, right? Where one survived and the other loses its existence. It clearly means that if this is company A plus company B is equal to either A or B, right? If A plus B is equal to A, then only A will survive and B loses its existence. And if A plus B is equal to B, then only B survives and A loses its existence. Okay, the survival acquires, जो surviving company होती है, उसको सारी liabilities मिलती हैं, सारे assets मिलते हैं उस company के या companies के। अब जो company जिसके assets और liabilities transfer होती हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, और जिसको मिलती है उसे कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ा होगा तो उसमें ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एमलगमेशन। इफ वी विल से दैट amalgamation and merger is the same thing, so we are not wrong, they are the synonym of each other, there's no difference, only difference is one that I'm explaining it to you, that if one or two companies or undertaking jab blend hoti hai, दो से तीन undertakings और companies जब blend होती हैं तो वो एक one undertaking और company बन जाती है। ठीक है, तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो सारी ब्लेंडिंग कंपनीज के होते हैं, वो सब्सटेंशियली शेयर होल्डर बन जाते हैं जो ब्लेंडिंग कंपनी होती है उसकी। ठीक है, तो इसमें कोई नो वन लूजेस इट्स आइडेंटिटी, दोनों तीनों जो कंपनीज होती हैं वो एक कंपनी में आ जाती हैं। ठीक है, तो उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सब्सटैंशियली दूसरी कंपनी में भी शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, जिसे ब्लेंडेड अंडरटेकिंग भी कहा जाता है। अब जो कंपनीज एक्ट में, ये तो था, दीज आर द थ्योरेटिकल पॉइंट, राइट? नाउ
कंपनीज एक्ट 2013 में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि मर्जर्स हो गए, कॉम्प्रोमाइजेस हो गए या अरेंजमेंट्स हो गए, उनको सपोर्ट करते हैं। तो सेक्शन 232 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है प्रोसेस ऑफ मर्जर्स एंड अमलगमेशन। वन थिंग यू मस्ट नो दैट आफ्टर द अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट 2013, the power to you know give right or you can say the importance apart from court has given to tribunal. So jitne bhi arrangements hote hain, jitne bhi compromises hote hain, jitne bhi mergers honge, amalgamations honge, wo sare ke sare tribunal ke approval ke bina nahi honge. Pehle kya tha, 56 mein कोर्ट होती थी, बट कोर्ट को ट्रिब्यूनल ने रिप्लेस कर दिया है। ओके, अब क्या है, पावर टू मेक अरेंजमेंट्स विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स, दीज आर द प्रोसेस। क्योंकि जब एक कंपनी होती है, आपको पता है पहले से ही शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो जब कोई कंपनी एक पर्टिकुलर कंपनी से दूसरी पर्टिकुलर कंपनी में ट्रांसफर होती है, या कंपनी कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना रही होती है, कॉम्प्रोमाइजेस बना रही होती है, तो मेंबर्स जो होते हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो सेक्शन 230 जो है कंपनीज एक्ट का, वो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो कि पावर देता है कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर में, जिसके थ्रू वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकती है किसी भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब कंपनी के अलावा और कौन कौन से लोग ऑथराइज होते हैं जो एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसमें आते हैं आपके जो लिक्विडेटर होता है। अगर कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस में है, तो व्हाट इज वाइंडिंग अप, वील आई टेल यू लेटर ऑन। सो अगर कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस में है, तो लिक्विडेटर भी एप्लीकेशन दे सकता है कॉम्प्रोमाइजेस और अरेंजमेंट के, और आपका कंपनी भी दे सकती है एप्लीकेशन टू दी बिफोर दी ट्रिब्यूनल। ओके, जैसा आप सब लोगों को पता है कि 2013 जो कंपनीज एक्ट है, उसको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें जो प्रिंसिपल है, वो जो बनाया गया था, जिस जो प्रिंसिपल बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दैट 2013 कंपनीज एक्ट वाज ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो ये जो तीन प्रोसेस हैं, इन तीन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कंपनी जब ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देती है, तो उसको जरूरत है कुछ डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज करने की, कुछ इन्फॉर्मेशन को ट्रिब्यूनल को डिस्क्लोज करने की। वो क्या इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि आपकी कंपनी की प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट क्या है आपकी अकाउंट की, ठीक है। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग पेंडिंग है कंपनी के अगेंस्ट, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रिब्यूनल को देनी होगी, ठीक है। अगर आपके शेयर कैपिटल में किसी भी तरीके का रिडक्शन हुआ है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को। एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंसेंटेड बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मींस इफ अ कंपनी इज फाइलिंग एनी अरेंजमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज बिफोर द ट्रिब्यूनल, then that compromise or that arrangement should be consented by not less than 75% of the secured creditors in value, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक कंपनी का मन किया कि नहीं जी, हमें तो अरेंजमेंट करने हैं, और या तो मर्जर कर देंगे, या amalgamation कर देंगे, या acquire कर लेंगे, कुछ भी कर देंगे, और but I just want to get rid of this company, और आप जाके tribunal के पास चले गए। नहीं, बिकॉज एक कंपनी बींग अ लीगल एंटिटी, आप देखिए इनके मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स भी उतने कंपनी में, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, उनके भी कुछ राइट होते हैं उस कंपनी में, ठीक है। तो जस्ट टू फॉलो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, अब फिर जब ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाती है, तो जस्ट टू फॉलो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, ट्रिब्यूनल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेंबर्स को, डिबेंचर्स होल्डर को और शेयर होल्डर्स को
नोटिस प्रोवाइड करे कंपनी के थ्रू, ठीक है। तो जब कंपनी के थ्रू नोटिस देते हैं तो नोटिस के साथ साथ और भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हैं, रेलिवेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं कंपनी को, मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। और अगर वो कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को भी आपको नोटिस देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, और स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे लिस्टेड है वहाँ उसको भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ एन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल, इज देयर एनीवन हु कैन ऑब्जेक्ट दैट एप्लीकेशन? ऑफ कोर्स, बट हु कैन ऑब्जेक्ट? ओनली द पर्सन हु हैव 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, दैट पर्सन कैन ऑब्जेक्ट दैट एप्लीकेशन। एंड और द पर्सन who is having 5% of the outstanding debt in that company. So these two person can object and tribunal can give them an opportunity of being heard. Okay. Another steps toward strengthening the transparency and representation of the government. 2013 Act provided that the documents is required to be sent to all the concerned authorities. Now, who are the concerned authorities? Central government, SEBI, Competition Commission of India, Registrar of the Companies Act, etc. Now, what is the reason behind sending them the documents and notices? Because जब भी कोई कंपनीज मर्ज होती हैं या अक्यूमुलेट होती हैं तो उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो इकोनॉमी पे पड़ता है, इसलिए ये इनको पार्टीज बनाना, आप समझिए, देश की इकोनॉमी के लिए सही होता है। और ये जो अथॉरिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेबी है, सीसीआई है, रजिस्ट्रार है, इनको डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं, उनके पास 30 डेज का टाइम होता है, 30 डेज के टाइम में वो रिप्रेजेंटेशन ट्रिब्यूनल में दे सकते हैं कि क्या उन्हें इस मर्जर से या क्या उन्हें इस एमलगमेशन से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ट्रिब्यूनल को कुछ चीज़ों को माइंड में रखना पड़ता है अगर अपनी कंसेंट वो देता है इस अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ को, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ जस्ट, फेयर और रीजनेबल है या नहीं है ये अरेंजमेंट्स या जो कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी कर रही है, ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, ठीक है, या ये इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज के अगेंस्ट तो नहीं है। सो हियर माइनॉरिटी रिफर टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, राइट, नथिंग एल्स। So, the order of the tribunal shall be binding on the company, right? But tribunal before sanctioning must ensure that the scheme must be sanctioned by the majority of the persons representing 3/4 in value of the creditors or members. Means before giving consent or before giving any order regarding the arrangement or compromise of the company, the tribunal must, you know, reaffirm or confirm that ये जो arrangement है वो sanction किया गया है at least 3/4 of the members या value जो है creditors की उनके द्वारा। Okay, अब आता है section 231. So, section 231 talks about power of the tribunal to enforce its order. As in the beginning I told you that High Court earlier in 1956 High Court was the authority, now tribunal is the authority, and now tribunal has all the power to enforce its order just like High Court. So जैसे High Court अपने power को अपने order को enforce करा सकता है, हाँ वैसे tribunal भी करा लेगा। Now 232, ठीक है, section 232 क्या कहता है, section 232 कहता है कि प्रोसीजर व्हेन टू और मोर देन टू कंपनीज मर्ज और अमलगमेट। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा? अब आप सोचेंगे कि 230 में भी यही बताया था कि ये प्रोसेस है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का, बट 232 में प्रोसेस ऑफ मर्जर और अमलगमेशन कैसे आ गया? देखिए, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि 230 में जो हम एप्लीकेशन देते हैं मर्जर और कॉम्प्रोमाइज के, वो एप्लीकेशन अगर 232 में ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि ये जो मर्जर और कॉम्प्रोमाइज की एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन इफ इट्स शोन टू द ट्रिब्यूनल दैट
कॉम्प्रोमाइज इन्वॉल्विंग, अगर ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन मेरे पास आई है इसमें प्राइमा फेसाई देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक मर्जर है या अमलगमेशन है, और अंडर द अरेंजमेंट होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी नीड टू बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो अरेंजमेंट है ये दो पार्टीज के बीच का मर्जर है, अमलगमेशन है, तो वो जो प्रॉपर्टी है, जो लाइबिलिटीज है, उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रांसफर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी को जानी चाहिए, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है कंपनी को कि आप अपने मेंबर्स की, क्रेडिटर्स की और डिबेंचर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाइए, ठीक है। और उस मीट द ट्रिब्यूनल आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट ऑल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद मे बाय ऑर्डर सैंक्शन द कॉम्प्रोमाइज एंड मेक प्रोविजंस फॉर द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली बिफोर टेलिंग यू द मैटर्स ऑन विच ट्रिब्यूनल has to make an order, let me explain you that what are the statutory provisions need to be fulfilled. First, all the creditors, members, debentures holders की meeting होगी, ठीक है, उन meeting की notices देनी पड़ेगी, वही same process है जो section 230 में मैंने आपको बताया है, उनकी meetings होगी, meetings के notices देने पड़ेंगे आपको with all the documents, और आपको tribunal को satisfy करना पड़ेगा कि आपने सारे के सारे जो provisions थे उनको आपने follow किया है। तो आप देखते हैं किन किन चीजों पे जो tribunal order करता है, tribunal order करेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में जाती है, तो इनके प्रोविजंस कौन बनाएगा, ट्रिब्यूनल बनाएगा। कितने शेयर किसको देने हैं, कितने डिबेंचर्स किसमें डिवाइड होंगे, जो पॉलिसीज हैं वो किसमें डिवाइड होंगी, कैसे डिवाइड होंगी ट्रांसफरी कंपनी में, ये भी ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। डिसोल्यूशन कैसे होगा, विदाउट वाइंडिंग अप, हियर डिसोल्यूशन I meant without winding up, right? What is winding up? We'll discuss it later. So dissolution without winding up of any transferor company. कि जो transferor company है, मेरी company जो दूसरी company में merge हो रही है, तो मेरी company का dissolution कैसे होगा बिना winding up के। Last is transfer of employees. जो employees है मेरी company के, वो जो transferee company में है, उनका arrangement कैसे होगा। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट कंपनीज एक्ट, रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन, राइट, होप यू अंडरस्टैंड इट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस वाइंडिंग अप प्रोसेस, बिकॉज यू हैव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वाइंडिंग अप प्रोसेस। एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू वन केस रिलेटेड विद रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन।